हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। अपना चैप्टर था लेजर, आपको पेज नंबर 118 पे दिया गया है। क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक। अभी तुम बोलोगे सर सब्सिडरी बुक क्या होता है। नॉर्मली आगे आपको डोंट वरी, आपको दिया गया है चैप्टर सब्सिडरी बुक कैसे क्या प्रिपेयर करना है, तभी हम काफ़ी डीप में करेंगे। मतलब हमें सब्सिडरी बुक दिया गया, डोंट वरी सब्सिडरी बुक मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर परचेस का परचेस बुक बनाएंगे, सेल्स का सेल्स बुक बनाएंगे, सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, और बाकी काफ़ी सिंपल है, डोंट वरी हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेजर अपना चैप्टर चल रहा है लेजर, तो हम लेजर के बारे में बात करेंगे। अगर सब्सिडरी बुक में दिया है उसको हमें लेजर में फॉर्म में करना है तो वेरी वेरी सिंपल, एक बात मैंने बताया था, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। जैसे मैंने मेरे गोल्डन रूल में आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सारा फॉर्मूला कैसे होगा, बस वही फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन नंबर टू वेरी इजीली आप कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक। ये सब्सिडरी बुक दिया गया है, तुम बोलोगे कहाँ से आपने सर, कहाँ पर आएगा, डोंट वरी आगे ये चैप्टर आएगा तब मैं आपको करा दूंगा आपको। तो ये सब्सिडरी बुक परचेज बुक दिया गया है, परचेज रिटर्न बुक आपको दिया गया है, जैसा आपको दिख रहा है सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेज नंबर 118 पे आपको दिया गया है। तो वन ऑफ द सिंपल एक बात भी याद रखो, देखो हमें क्या बनाना है, लेजर अकाउंट बनाना है, मतलब जितने भी नाम है सारे नाम का क्या आ जाएगा, लेजर। सबसे पहले किसका आएगा, परचेज है, उसके बाद किसका आएगा, परचेज रिटर्न का आएगा। तो वेरी फर्स्ट एक्चुअली मेरे से यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने ये थोड़ा सा छोटा बना दिया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नीचे बनाऊँगा। आप वेरी फर्स्ट बनाना, मतलब ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये बनेगा अपना परचेज अकाउंट। आप स्टार्टिंग में बनाना परचेज अकाउंट, पूरा लिखना क्लियर है। यहाँ पर क्या रहेगा, 2019 दिया गया है, जैसा मुझे दिया गया है। अभी तुम बोलो सर आप डेबिट में कहाँ लिखते रहोगे, अरे मेरे गोल्डन रूल में क्या था, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड। तो परचेज ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट में, तो परचेज की सारी की नाम कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, अरे सिंपल है, परचेज कहाँ रहेगा, डेबिट में। तो एंट्री क्या रहेगा, जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, तो परचेज अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड ही लिखेंगे ना सारे का नाम, तो परचेज अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। देखो परचेज बुक है, परचेज अकाउंट की डेबिट में, यहाँ पर अक्टूबर 2 किसका नाम दिया है, जैसे सबका नाम दिया है यहाँ पर लिख दो अमोल अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा 2 अमोल अकाउंट, कितना आ जाएगा 7500 आएगा। अब आपको पता रहेगा अगर परचेज लेजर में लिखते डेबिट साइड में लिखेंगे तो 2 आए, 2 ऐश्वर्या अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर डेट क्या दिया अक्टूबर 7, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 7 ऐश्वर्या अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया ऐश्वर्या का, 2400 दिया गया है, तो 2400 लिखूंगा। उसके बाद विवेक का कितना दिया है, 3900, तो यहाँ पर 11 यहाँ पर आ जाएगा, 2 विवेक अकाउंट आ जाएगा, कितना दिया गया है मुझे 3900 दिया गया, तो 3900 लिख दूंगा। 17 क्या दिया है यहाँ पर, 2 सेठ था, सेठ अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर कितना दिया गया है 6500 दिया गया, तो 6500। 2 यहाँ पर क्या लिखा है, शबरी अकाउंट लिखा है, तो यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 2 शबरी अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। अकाउंट कितना दिया गया है मुझे, 1000 दिया गया है, क्लियर है। तो मतलब मैंने क्या किया, परचेज अकाउंट की सारे कहाँ लिख दिया, डेबिट लिख दिया। अभी ऊपर मेरे पास पैसे परचेज अकाउंट डेबिट लिया, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ परचेज रिटर्न बुक बना देता हूँ ये, तो यहाँ पर डेबिट, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ पर कौन सा बनेगा, ये परचेज रिटर्न अकाउंट, तो यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा। परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, क्लियर है, आपको पता होना चाहिए। परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाएगा। तो ये परचेज रिटर्न अकाउंट आ गया अपना। अभी देखो परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो परचेज रिटर्न का रहता है, क्रेडिट में रहेगा, तो यहाँ पर 2019 में लिख दूँ, अक्टूबर 10 पहला क्या आएगा, क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या आएगा, बाई ऐश्वर्या अकाउंट आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर, इसके लिए मैंने क्या कर दिया आपको, तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पहले करा दिया, तो यहाँ पर ऐश्वर्या अकाउंट कितना है 480, और सेठ अकाउंट कितना दिया 650, और सबरी कितना दिया है 2000। यहाँ पर अक्टूबर 20 बाई क्या रहेगा, यहाँ पर सेठ अकाउंट कितना रहेगा, यहाँ पर 650, और 28 क्या दिया गया है मुझे, शबरी अकाउंट कितना आ जाएगा मेरे लिए, 2000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। मतलब सारा जो जो अकाउंट परचेज डेबिट में था, तो परचेज अकाउंट की लेजर में डेबिट लिख दिया, और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर
परचेज रिटर्न में सारे का क्या कर दिया, नाम लिख दिया, और फॉर्मेट जहाँ तक मुझे पता आप सबको बनाने आता है, ये इसके लिए मैंने आपको बताया नहीं। अभी देखो अमोल कहाँ है, ये परचेज कहाँ रहे डेबिट में, तो अमोल कहाँ रहेगा क्रेडिट में रहेगा, सिंपल है। परचेज डेबिट में तो अमोल कहाँ रहेगा क्रेडिट में रहेगा, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो परचेज का नाम डेबिट है, तो परचेज, तो क्रेडिट में किसका नाम रहेगा अमोल का अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट किसका नाम बना हुआ अमोल अकाउंट, तो यहाँ पर बने हुए मैं अमोल अकाउंट, क्लियर, अमोल अकाउंट बना दूँ। ये कितना रहेगा सारे का नाम, यहाँ पर 2019 आ जाएगा, यहाँ पर अक्टूबर कितना आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा बाय परचेज अकाउंट, क्यों अमोल की बुक में अमोल का नाम नहीं आएगा, तो किसका नाम आएगा परचेज का नाम आएगा। अमाउंट कितना रहेगा 7500 रहेगा। डोंट वरी, आपको नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अभी एक और समझेगा। देखो ऐश्वर्या कहाँ पर है परचेज अकाउंट की डेबिट में, तो ऐश्वर्या की बुक में कहाँ रहेगा क्रेडिट, तो परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा ऐश्वर्या का अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पर डेबिट, ये क्रेडिट, यहाँ पर मैं लिखूँ ऐश्वर्या अकाउंट, क्लियर है, यहाँ पर ऐश्वर्या अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा, अकाउंट पूरा लिखना बेटा अकाउंट, अभी देखो ऐश्वर्या कहाँ रहेगा क्रेडिट में 2019, यहाँ पर अक्टूबर 7 दिया गया, तो यहाँ पर बाय क्या आ जाएगा परचेज अकाउंट आ जाएगा, बाय परचेज अकाउंट कितना रहेगा परचेज अकाउंट ऐश्वर्या में 2400 दिया गया है। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो ऐश्वर्या कहाँ पर अभी क्रेडिट में, तो सारे का नाम कहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में, अभी ये डेबिट ये क्रेडिट, कौन सा अकाउंट बनेगा ये विवेक अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा विवेक अकाउंट, क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा विवेक अकाउंट आ जाएगा, जैसा आप सभी को पता ही है। तो अभी कहाँ आ जाएगा विवेक अकाउंट की क्रेडिट से 2019, डेट क्या दिया है हमें अक्टूबर 11 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, बाय परचेज अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है 3900 मुझे दिया गया है, क्लियर है, सेम एज अ परचेज के भी, देखो विवेक हो गया, अभी कौन बचा सेठ, तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट बनेगा सेठ अकाउंट बनेगा, क्लियर है, सेठ अकाउंट आ गया। अभी यहाँ पर क्या रहेगा क्रेडिट में रहेगा 2019 दिया गया, यहाँ पर अक्टूबर 17 क्या रहेगा बाई परचेज अकाउंट, सब में परचेज ही रहेगा। तुम बोलोगे सर कुछ नया नहीं आएगा, नहीं कुछ नया नहीं आएगा, सेम परचेज ही रहेगा 6500। अभी यहाँ पर कौन सा बनेगा एंड में सबरी अकाउंट, तो यहाँ पर डेबिट सॉरी ये डेट आएगा DR हो जाएगा, और ये क्रेडिट, और ये क्या रहेगा अपना सबरी अकाउंट, सबरी अकाउंट यहाँ पर क्या रहेगा 2019 दिया गया, अक्टूबर क्या दिया मुझे 27, तो क्या आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट आ जाएगा, सब में सेम परचेज अकाउंट ही रहेगा। अमाउंट कितना दिया गया 1000 दिया गया। जैसा आप सभी को पता है, देखो परचेज मैं यहाँ पर परचेज बुक कर रहा हूँ, परचेज रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, परचेज बुक में सारा कहाँ दिया था डेबिट में, तो उसकी अकाउंट की बुक में कहाँ जाएगा क्रेडिट में, देखो सारे की कहाँ जाएगा क्रेडिट में आ जाएगा, नाम किसका रहेगा सब में बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट रहेगा। तो परचेज रिटर्न कहाँ है क्रेडिट में, तो अभी सारे का नाम कहाँ आ जाएगा डेबिट में आएगा। जैसे यहाँ पर ऐश्वर्या कहाँ पर है, देखो आप देखोगे तो आप कहाँ पर मिलेगा डेबिट में, मतलब परचेज रिटर्न की कहाँ है क्रेडिट में, तो ऐश्वर्या की कहाँ आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, तो सारा जो परचेज रिटर्न का नाम है वो सारा कहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ 2019 लिखूँ, यहाँ पर डेट क्या दिया है मुझे अक्टूबर 10 दिया गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा 480 रुपीज़ रहेगा, सेम एज यहाँ पर देखो सेठ की बुक कहाँ रहेगा, तो सेठ की बुक में कहाँ आ जाएगा आपको डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा 2019 आ जाएगा, यहाँ पर अक्टूबर 20, तो यहाँ पर क्या आएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा यहाँ पर 650 रुपीज़ रहेगा, जितना अमाउंट दिया है वही। अभी यहाँ पर देखो शबरी में कहाँ पर था, तो यहाँ पर शबरी में कितना आ जाएगा 200 रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पर 2019 में डेट क्या लिखूँ यहाँ पर अक्टूबर 28 दिया गया है, तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। अभी तुमको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, पहले थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी, इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, ये नहीं आएगा तो कोई, जहाँ तक मेजोरिटी बच्चे जो ये वीडियो यहाँ तक देखे रहेगा उनको तो ये आता ही रहेगा, क्योंकि परचेज डेबिट है तो सारे का नाम कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में,
परचेज रिटर्न का है क्रेडिट में, तो सारे का नाम कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। बस उतना ही सिंपल आपको याद रखना है। अगर इसको क्या करना है एंड में टैली करना है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर दूसरी पेन से क्या करता हूँ टैली करता हूँ, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कैसे मैंने क्या किया। अगर वेरी फर्स्ट हम ना परचेज अकाउंट था, तो परचेज अकाउंट को तुम टैली करना है मुझे। तो ये जो टोटल है इस सेट का क्या है, टोटल ज़्यादा है, और ये सेट का टोटल करने की ज़रूरत नहीं, आपको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी यहाँ पर दिया ही गया है। अगर परचेसर का इस सेट का टोटल आपको दिया 21,300 दिया गया, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 21,300 आएगा, यहाँ पर बैलेंस कितना आ जाएगा 21,300 रुपीस आएगा। और इसको नाम क्या देना है 2019, यहाँ पर अक्टूबर क्या रहेगा 31st, यहाँ पर क्या रहेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पर क्या जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। क्लियर है, बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 21,300। अक्टूबर के बाद क्या था नवंबर, तो यहाँ पर क्या रहेगा नवंबर फर्स्ट क्या रहेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा 21,300। उसके बाद अगर परचेज रिटर्न का भी आपको ऑलरेडी दिया ही गया है, इसका टोटल आपको टेक्स्ट बुक में दिया ही गया है, कितना दिया है 1,330, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,330 आ जाएगा। क्लियर है, तो ऊपर भी सेम अमाउंट रहेगा 1,330। और इसको नाम क्या देना है, जैसे हम फाइंड करते हैं तो ऑलवेज क्या लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा अक्टूबर 31st, तो यहाँ पर क्या रहेगा टू बैलेंस कैरी डाउन रहेगा, टू यहाँ पर क्या जाएगा बैलेंस कैरी डाउन रहेगा, और यहाँ पर आएगा तो क्या रहेगा 1,130। अक्टूबर के बाद क्या आता है नवंबर फर्स्ट क्या रहेगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा कैरी डाउन, और यहाँ पर क्या रहेगा ब्रॉड डाउन। फाइन करते समय ऑलवेज क्या रहेगा कैरी डाउन, ट्रांसफर करते समय ब्रॉड डाउन। अभी इसका तो एक ही साइड ज़्यादा है ना 7,500, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 7,500, यहाँ पर भी बैलेंस कितना आ जाएगा 7,500 आ जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा 2019, यहाँ पर अक्टूबर क्या रहेगा 31st, क्या रहेगा टू बैलेंस कैरी डाउन रहेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन रहेगा, और सेम ऐसे यही बैलेंस इस तरफ आ जाएगा, तो क्या रहेगा अक्टूबर के बाद क्या आएगा नवंबर फर्स्ट क्या रहेगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप अच्छे से एकदम एग्जाम में लिखते रहोगे, मेरी तरह अलग अलग पेन से लिखोगे तो आपको भी पता चलेगा, एकदम ब्यूटीफुल दिखेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। अभी इस साइड का टोटल करोगे तो आपको कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, यही साइड मेरे को ज़्यादा लग रहा है 2,400, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,400 रुपीज़ आएगा। अभी 2,400 में से कितना माइनस करना है 480 मुझे माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा 1,920 आएगा, और इसका नाम क्या रहेगा टू बैलेंस मैंने बताया था क्या रहेगा कैरिड डाउन रहेगा, तो यहाँ पर डेट क्या रहेगा अक्टूबर 31st। अभी जैसा रहेगा देखो ये साइड टोटल ज़्यादा है, तो ये साइड का टोटल दोनों साइड, अभी इसमें से क्या करो ये माइनस कर दो, या तो 2,400 माइनस 480 करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1,920 आएगा, तो इसको क्या लिखेगा बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। सेम है इसका यही साइड ज़्यादा है ना 3,900, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3,900 आएगा, ऊपर बैलेंस भी कितना आ जाएगा 3,900 आएगा, तो इसको क्या लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, यहाँ पर अक्टूबर 31st ऊपर दिया नहीं गया तो 2019 लिखना पड़ेगा ईयर, जहाँ पर ईयर दिया नहीं गया तो यहाँ पर दिया था तो इसके लिए मैंने नहीं लिखा, तो यही बैलेंस इस तरफ आ जाएगा 3,900। इसको क्या देखोगे आप नवंबर फर्स्ट आ जाएगा क्या रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा। सेम ऐसे यहाँ पर कितना दिया है 6,500, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, सॉरी एक लाइन नीचे पे लिखूँ इसमें थोड़ा कंजेस्टेड होगा, 6,500 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6,500 आएगा, इसमें बैलेंस कितना आएगा 6,500, माइनस कितना करना है 650 करोगे तो 5,850 आपको आंसर आ जाएगा। और इसको नाम क्या देना है टू बैलेंस कैरी डाउन रहेगा, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन रहेगा, ये इस लाइन का रहेगा। यहाँ पर डेट क्या रहेगा अपना अक्टूबर 31st रहेगा, और इस तरफ आएगा तो क्या रहेगा 6,500 नवंबर फर्स्ट। क्लियर है, यहाँ पर क्या रहेगा अपना बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। सेम एज लास्ट वाले का करेंगे तो यहाँ पर कितना है 1,000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,000 में से 200 गया तो आपको पता है कितना बचेगा 800 बचेगा, तो इसको नाम क्या रहेगा टू बैलेंस कैरी डाउन रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा अक्टूबर 31st, तो ये तरफ आ जाएगा तो क्या रहेगा नवंबर फर्स्ट रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, अमाउंट कितना रहेगा 800 रुपीज़ रहेगा।
डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल है। मैं एंड में आपको इसके पिक भी प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।